ये हमने मटर तोड़ के ला लिए है एक टोकरी। ये मम्मी अब इनको यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रहे हैं। क्या बोलते हैं इनको, ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छे प्लम लगे हुए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी प्लीज़ कर दीजिए। तो इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। तो जैसा कि आपको पता ही है आजकल हम गाँव में हैं, तो जब से हम घर आए हैं तब से यहाँ पे कंटिन्यू बारिश ही हो रही थी, पर आज मौसम बहुत साफ़ है, धूप लगी हुई है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बाहर का व्यू दिखाती हूँ, वेदर दिखाती हूँ कि यहाँ पे आज कैसा मौसम है। ये देखिए फ्रेंड्स, आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ है, धूप खिली हुई है इतने दिनों के बाद। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता ही है आजकल हमारा चेरी का सीज़न चला हुआ है, पर आज हम चेरी नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि अभी अच्छा कलर नहीं आया उसमें और ना ही साइज़ बना हुआ है। तो जितनी तोड़नी थी वो तोड़ दी है, अभी थोड़ा ब्रेक दिया है 2-3 दिन का। तो आज घर पे मैं और मम्मी और पापा ही है, रोहित राहुल निरसु गए हुए हैं। तो आज हम आपको अपने खेत की सैर करवाएंगे कि हमने खेत में क्या क्या बीजा हुआ है, हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है। तो चलिए करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। मॉर्निंग, हेलो। तो फ्रेंड्स मैं और मम्मी जा रहे हैं अपने खेत, वहाँ से मटर तोड़ने, तो आपको भी दिखाते हैं, चलो। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मटर बहुत ही घास के बीच डूबे हुए हैं, ये देखिए। तो ये हमने मटर तोड़ के ला लिए है एक टोकरी, बिल्कुल फ्रेश मटर। तो फ्रेंड्स अब हम ये सारे मटर छीलेंगे और इनको सुखाएंगे सर्दी के लिए। तो पहाड़ों में ऐसा ही होता है, हमने बहुत सारे मटर बीजे हुए हैं, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम इनको अब सुखाने के लिए रखेंगे सर्दी के लिए। पहले भी सुखाते थे, सुखाते थे तो अगर ज़्यादा होता तो सुखाते थे, कम होते तो खा लेते थे। यही है, इस बार भी हम इनको सुखा के रखेंगे और सर्दी में खाएंगे आलू मटर की सब्जी, अपने खेत की सब्जी। अपने खेत की सब्जी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती है, ऑर्गेनिक होती है, हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला हुआ है और ना ही कोई स्प्रे की नहीं, इसमें हमने सिर्फ गोबर डाला हुआ है। गोबर भी है, हमारी सारी खेती ऑर्गेनिक तरीके से ही होती है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे मटर छिल चुके हैं और ये अब हम इनको डालेंगे सुखाने के लिए। ये इससे इतने सारे छिलके निकले हैं, ये हम गाय को देंगे। ये मम्मी अब इनको यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रहे हैं। अब इनको थोड़ा खुला खुला करेंगे हाथ से। ये इधर सारा पालक गिरा हुआ है नीचे को, हवा की वजह से, तूफान की वजह से। ये अब इसमें बीज निकल आया है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा धनिया ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बारिश की वजह से बेचारा सोया हुआ है, देखिए। और फ्रेंड्स ये किस किसने खाई है बचपन में और अभी भी जो खाता है, क्या बोलते हैं इनको, हमारे तो शीए बोलते हैं, हाँ शीए सिट्टी भी बस्ती से। ये जिस जिसने खाई है वो कमेंट में जरूर बताए, और जिसने इसको खा के फिर इसकी विसल भी बनाई है। ये हमारे इधर जौ भी लगे हुए हैं। जौ एक ऐसा अनाज है जो हर पूजा में लगता है, बहुत ही शुभ अनाज है, तो इसलिए हमने भी थोड़े ऐसे बीजे हुए हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स शक्कर पारा। ये फ्रेंड्स इधर पूरे खेत में पर तक आलू बीजे हुए हैं, ये भी अब तैयार हो ही है। कब तक होंगे तैयार? बस ऐसे तो तैयार ही है, ये जल्दी लगा दिए, ये फरवरी में लगा दिए। हाँ तो अब हम इनको सब्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमारे खेत के फ्रेश फ्रेश आलू। और ये देखिए इस बार सेब भी बहुत ही कम लगे हैं, बड़ी मुश्किल से दाने ढूंढने पड़ते हैं। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, बाकी पूरा का पूरा पेड़ खाली है। तो मम्मी सेब इस बार इतने कम क्यों लगे हैं? क्योंकि सर्दी में नहीं बर्फ आई है, अगर सर्दी में बर्फ पड़ती तो इतने कम सेब नहीं लगते। ये अब आजकल कवाला लगा हुआ है बारिश, उसकी वजह से ये ठंड है, फिर पाले से फूल तो अच्छे थे। ये फ्रेंड्स नाशपाती का पेड़ है, ये तो पूरा का पूरा खाली है, इस बार इसमें कुछ भी नहीं लगा है। ये देखिए एक भी नाशपाती नहीं लगी है। ये वाला फ्रेंड्स बादाम का पेड़ है, पर इसमें भी बादाम लगे हैं थोड़े थोड़े। और इसी में हमने अरे को काय की कलम की है, परून की। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे मटर कितने सारे लगे हुए हैं। शहर में सब्जियों के लिए बाजार जाना पड़ता है, पर गांव में तो सब कुछ अपने घर में मिल जाता है, अपने खेत में। ये भी शक्कर पारे का पेड़ है, ये देखिए इसमें लगे हुए हैं। इसमें कैसे लगे इस बार शक्कर पारे? इसमें तो अच्छे लगे इस वाले में ना। और यही साथ में एक दूसरा पेड़ है, इसमें बहुत कम है, पिछली बार से ज़्यादा नहीं है। पिछली बार इसमें बहुत अच्छा लगे थे। सेब के पेड़ तो फ्रेंड इस बार टोटली खाली है, लगे ही नहीं है, बहुत ही कम क्रॉप है। ये है फ्रेंड्स पुदीना, ये देखिए घर में इतने मज़े होते हैं कि सब कुछ घर में मिल जाता है, हमें किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए बाज़ार नहीं जाना पड़ता। ये फ्रेश पुदीना है, जब चाहे जब हमारा मन करे तब हम इसकी चटनी बना सकते हैं खाने के लिए। ये पापा भी सुबह से बोर हो गए बैठ बैठ के और सो सो के खट्टे मार के। बोर हो गए क्योंकि आज हमने चेरी नहीं तोड़ी, आज हमने ब्रेक दिया हुआ है क्योंकि अभी अच्छा कलर नहीं आया, तो दो तीन दिन वेट करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम फ्री थे, आज घर में भी हम तीन ही हैं, मम्मी पापा और मैं। ये फ्रेंड्स रेड ब्यूट का पेड़ है, प्लम का। ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छे प्लम लगे हुए हैं। इसमें कलर कब आता है? ये आते हैं तोड़ने के लिए जून के एंड तक, अभी तो बहुत ही हरे हैं, तो जब इसमें कलर आएगा तभी हो जाएंगे तोड़ने को। ये इधर मम्मी ने कद्दू भी बीजे हुए हैं, हमने पिछली बार भी बहुत सब्जी खाई कद्दू की, इस बार भी अब तैयार होने वाले हैं। ये फ्रेंड स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगाया है, और ये फ्रेंड इधर मम्मी ने बीजा है, हम इसको लोकल लैंग्वेज में तांगनू बोलते हैं, बंजीरी। ये स्टफिंग के काम आता है, जैसे सिड्डू में भी डालते हैं और बेडू वाली जो रोटियां होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। ये यहाँ पे कीवी का पेड़ लगाया हुआ है, चल पड़ा ये भी अब। ये कौन से पेड़ है यहाँ पे? ये चेरी के रूट्स फटे हुए। हाँ जो चेरी के पेड़ की जड़ से निकलते जड़ से निकलते हैं, फिर इसमें कलम की जाती है, फिर पेड़ बन जाता है इसका, चेरी का चेरी का पेड़ बन जाता है। तो ये सारे हमने इधर रूट्स लगाए हैं चेरी के, तो इसमें कितने साल के बाद इसमें कलमें होगी? 10 अगले साल के लिए तैयार है, ये वाला तो है करने के लिए। हाँ ये वाला ये भी है, तो नेक्स्ट ईयर इसमें कलमें कर लेंगे हम, तो इससे फिर चेरी का पेड़ तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाता है फ्रेंड्स हमारा चेरी का पेड़, ये वाला हो गया तैयार तोड़ने को। कहीं कहीं लाल हुआ है पर कहीं कहीं हरा है अभी, अभी तो हमारी बहुत चेरी रहती है तोड़ने को, फट रही ना, पर बारिश की वजह से बहुत सारी फट भी रही है। फट गई, दिखाओ तो। ये देखिए फ्रेंड्स ये चेरी फट गई है बारिश की वजह से, देखिए ओवर बारिश की वजह से, अब इसका कोई इस काम नहीं है। नुकसान इस बार हमारा बहुत नुकसान हुआ है चेरी का, बारिश की वजह से सारी फट चुकी है। ये वाले पेड़ अभी फ्रेंड्स दोनों हमारे तोड़ने को रहते हैं, चेरी के पेड़।
ये भी अब ऑलमोस्ट तैयार हो जाएंगे 4-5 दिन में। इसमें अभी अच्छी तरह से कलर नहीं आया, ये तो हरी है अभी देखने को। लगेगी तो देखिए, इसमें अभी उतना अच्छा कलर नहीं आया, इसमें सारी हरी है। देखिए ये तो कम से कम 7-8 दिन में तैयार होगी। ये वाला पेड़ फ्रेंड्स सबसे बड़ा है, इससे आधी टहनियां तो हमने काट भी दी है। इधर से इधर पूरी ये पर ये वाला यहाँ तक के ये वाले पेड़ से ये जब ये मकान बना है ये सारे अब काट दिए हैं। ये वाला बहुत इसी चढ़ना भी बहुत मुश्किल है ऊपर। जब पहले दी तो इससे डेढ़ 200 डब्बे भरे चरी के एक ही पेड़ से। ये वाला फ्रेंड्स इतना बड़ा पेड़ है, इससे पहले काफ़ी पहले जब इससे टहनियाँ नहीं काटी थी 150-200 डब्बे इसी से हो जाते थे एक ही पेड़ से। आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।